तो आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बताने वाला यहाँ पर पीएम किसान केवाईसी के लिए जो मोर्फो सेटिंग प्रॉब्लम आ रहा है, तो मोर्फो सेटिंग कैसे करना है। आपका बिल्कुल 100% क्या 110% आपको वर्क करेगा, लेकिन आप जब वीडियो देखेंगे इसको, तो वीडियो आपको कंप्लीट देखना होगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा। अब अगर स्किप करके देखेंगे तो आपको 100% क्या आपको 80% भी या 50% भी काम नहीं कर पाएगा। तो आप बिल्कुल 100% वर्क करेगा, लेकिन हाँ, आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए हुए, तभी आपको यहाँ पर मोर्फो डिवाइस का सेटिंग समझ में आएगा कैसे आपको मोर्फो डिवाइस सेटिंग करना है। तो चलिए मैं आपको इसमें कंप्लीट जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पीएम किसान केवाईसी के लिए यहाँ पर इस तरह से पेज ओपन होता होगा। और एक बात और ध्यान देंगे, जब भी आप सीएससी ये पीएम किसान केवाईसी करेंगे तो आपको यहाँ पर एक सीएससी लॉगिन दिया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक सीएससी लॉगिन दिया गया है, तो सीएससी लॉगिन करके आपको करना है। मैं सीएससी लॉगिन करके ही बताऊँगा। तो सीएससी लॉगिन करने के बाद आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि आपको पीएम किसान केवाईसी करना है, कैसे करना है। तो पहले आपको पीएम किसान केवाईसी करने से पहले आपको मोर्फो सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो मोर्फो सेटिंग कैसे करना है उसका मैं कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर अगर अभी तक नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे। और अपने जितने भी व्हाट्सएप में फ्रेंड लोग होंगे जो सीएससी या किसी भी अगर ऑनलाइन वर्क करते होंगे या पीएम किसान केवाईसी के लिए करते होंगे, तो उनको ये वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद जितने भी आपको सिस्टम में मोर्फो से रिलेटेड वर्क है इसको हटा देना है। चलिए यहाँ पर पीसी ओपन करना है, अनइंस्टॉल फॉर्म में जाना है। यहाँ पर आपको मोर्फो डिवाइस एक लिखा हुआ है मेरा, यहाँ पर इसको अनइंस्टॉल करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर अनइंस्टॉल कर लेता हूँ। उसके यहाँ पर ओके करेंगे। ओके करने के बाद मेरा यहाँ पर अनइंस्टॉलिंग स्टार्ट हो जा रहा है। इसको हटा देना है। इसके बाद यहाँ पर एक हट जाएगा, दूसरा का यहाँ पर क्या करना है, इसको करेंगे, आपको पूरी तरह से यहाँ पर ओके हो जाएगा, यहाँ पर कम्प्लीटली हट जाएगा। आपको मोर्फो डिवाइस से रिलेटेड आपको एक भी कोई भी सर्विस नहीं होना चाहिए। आपको इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या रखना है कि एक आपको रखना है विंड्रार्ड, जो यहाँ पर मैं डाउनलोड करके पहले से रखा हूँ। आपका जितना बिट का होगा, 64 बिट या 32 बिट का सिस्टम होगा, तो आप अपने अनुसार चेक कर लेंगे कि कितना बिट का आपका सिस्टम है, उसके अनुसार यहाँ पर बिट के अनुसार यहाँ पर विंड्रार्ड को ओपन करेंगे। ओपन करने के यहाँ पर विंड्रार्ड इस तरह से डाउनलोड करके रखेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको मैं क्या बताता हूँ कि यहाँ पर पहले मेरा विंडोज़ का 2, एक यहाँ पर विंडोज़ का 3, यहाँ पर इसको पहले अनइंस्टॉल इसको डिलीट कर लेना हूँ। चलिए मैं यहाँ पर डिलीट कर लेता हूँ पहले इसको भी, और इसे भी मैं डिलीट कर लेता हूँ, और मैं इसको भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। डिलीट करने के बाद आपको अगर विंडोज़ पर इस तरह से दिखता है तो इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद ऑटोमेटिक ये हट जाएगा। अब क्या करना है कि आपको विंडोज़ प्लस आर दबाना है इस तरह से, और इसको पहले प्रीफेस पर क्लिक कर इस तरह से लिखना है, यहाँ पर PREFETCH, इसको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद कंट्रोल ए, इसके बाद कंट्रोल डी, इसको पूरी तरह से डिलीट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर डिलीट कर लेता हूँ। अगर कोई फाइल रह जाता है इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको रहने दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ डिलीट जरूर कीजिएगा। फिर से विंडोज़ प्लस आर दबाइएगा और यहाँ पर फिर से लिखना है शिफ्ट के साथ %Tempt लिखना है, जो यहाँ पर मेरा लिखा हुआ है, इसको ओके करना है। इसको फिर से ओके कर देंगे, इसको पूरी तरह से कंट्रोल ए कंट्रोल डी इसको हटा लेना है। चलिए मैं यहाँ पर हटा लिया हूँ, इस तरह से मेरा हट रहा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि मेरा यहाँ पर हट चुका है। इसको जितना भी रह जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर से आपको विंडोज़ प्लस आर दबाना है। इसके बाद आपको क्या करना है कि डायरेक्ट TEMP डायरेक्ट लिखना है, इतना ही केवल लिखना है। इसके बाद फिर ओके करना है। इसके बाद विंडो कंट्रोल ए कंट्रोल डी आपको डिलीट कर लेना है, कंटिन्यू कर लेना है। यहाँ पर पूरी तरह से कम्प्लीटली डिलीट हो जाएगा। तो जैसा कि मेरा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 1x1 ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर डू यू ऑल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर टोटली हटा लेंगे। यहाँ पर इसके बाद पूरी तरह से कट हो जाएगा। इसके बाद आपको रिसाइकल पिन में जाना है और यहाँ पर आपको जितना भी सर्विस यहाँ पर कंट्रोल ए के साथ डिलीट करेंगे, यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर डिलीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऐसे शो कर रहा है तो क्या करेंगे, आपको रिफ्रेश कर लेना है एक बार पेज को। चलिए मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर रहा था, या तो इसको कट कर लेंगे एक बार और फिर से इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरा कोई भी एक भी फाइल नहीं है। अब क्या करना है कि अब आपको क्या सेटिंग करना है। अब यहाँ से आप पूरी तरह से यहाँ पर कंप्लीट जानकारी अगर हो गया होगा तो आप यहाँ पर इतना अगर कर लिए होंगे, तो अब क्या करना है कि आपको जाना है क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे या कोई भी ब्राउज़र ओपन करेंगे, आपको न्यू पेज लेना है। यहाँ से आपको टाइप करना है मोर्फो। चलिए मैं यहाँ पर मोर्फो टाइप कर लिया हूँ। इसके बाद सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद आपको क्या करना है कि ये वाला पहला वाला पेज यहाँ पर ओपन है, इसको आपको ओपन करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ओपन पर क्लिक करेंगे। ओपन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको पॉपअप ओपन होगा। इसको क्या करना है कि आपको यहाँ पर एक डाउनलोड का सेक्शन होगा, जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिखा रहे हैं यहाँ पर एक डाउनलोड का सेक्शन है, तो इस पर आपको क्लिक करना है।
डाउनलोड वाले सेक्शन पर आप जैसे ही यहाँ पर इस तरह से क्लिक करेंगे, यहाँ पर पेज इस तरह से ओपन होगा। सबसे नीचे वाला विंडो इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए इस तरह से आएगा, यहाँ आपको कोई जिप फाइल में रहेगा, आपको डेस्कटॉप पर कर लेना है। मैं डेस्कटॉप पर कर लेता हूँ सेव। मेरे यहाँ पर डाउनलोड हो रहा है, मेरे यहाँ पर डबल डाउनलोड हो रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैं दो बार कर चुका हूँ, यहाँ पर इसलिए दो बार हो गया है, यानी कि दो बार यहाँ पर मैं क्लिक कर दिया था, इसलिए यहाँ पर दो बार डाउनलोड हुआ है। अब क्या करना है, इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको यहाँ पर एक फाइल शो कर गया है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब पेज को क्या करना है कि रिफ्रेश कर लेना है। पेज यहाँ से आप रिफ्रेश इस तरह से कर लें, थोड़ा सा 2 मिनट वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद आपको यहाँ पर पेज इसको ओपन करना है। तो सबसे पहले इस पर ओपन वाले पर इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक। इसके बाद इस पर क्लिक जाएंगे, इसके बाद एक्सट्रैक्ट फाइल लिखा हुआ इस पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डेस्कटॉप पर रख लेना है, इस तरह से ओके कर लेना है। ओके करने के बाद आपको क्या करना है, इसको कट करने के बाद फिर से यहाँ पर आपको रिफ्रेश करना है पेज को। और रिफ्रेश करने के बाद पेज आपको देख पाने कि यहाँ पर विंडोज का एक ऑप्शन ओपन हो गया है। यहाँ पर ओपन होने के बाद इसको डबल क्लिक करना है, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसको ओपन करेंगे, इसको ओपन करने के बाद विंडोज़ RD सर्विस इस पर क्लिक डबल क्लिक करना है। कर सकते हैं, जैसे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर राइट क्लिक, इसके बाद रन एडमिनिस्ट्रेशन इस पर क्लिक करने के बाद यस, यस करने के बाद आपको इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर इंस्टॉल इसको होने देंगे, यहाँ पर जब तक आपको इंस्टॉल नहीं होता है तब तक आपको इंस्टॉल होने देंगे। पूरी तरह से कंप्लीट यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा आपको यस और नो करने के लिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेंगे, मेरा यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा सा आप वेट कर लेंगे। यानी कि जो अभी यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे ना, तो आप एक बात जरूर ध्यान देंगे, यहाँ पर मोर्फो आपका लगा हुआ नहीं होना चाहिए। आप मोर्फो अगर लगा कर करेंगे तो आपको कोई वर्क नहीं कर पाएगा। आप ध्यान दें कि जब भी आप इंस्टॉल करेंगे मोर्फो, तो मोर्फो यहाँ से निकाल लेंगे, निकालने के बाद ही करेंगे। इसके बाद यहाँ पर फिनिश कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको रीस्टार्ट करने के लिए कहा जाए तो आप सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको रीस्टार्ट करके आगे का प्रोसेस शो कर देता हूँ। मैं सिस्टम रीस्टार्ट कर चुका हूँ। करने के बाद आपको फिर से इसको कट कर लेना है। कट करने के बाद आपको रिफ्रेश कर लेना है 2 से 3 बार। आप रिफ्रेश कर लेंगे पूरी तरह से, और रिफ्रेश करने के बाद अब आपको क्या करना है कि मोर्फो को लगाना है। तो चलिए मैं आपको मोर्फो लगा देता हूँ। तो मोर्फो आप इस तरह से लगाने देख रही है, मेरा पर यहाँ पर मोर्फो का यहाँ पर निकला हुआ है, मैं निकाल कर रखा हूँ और फिर से मैं लगा लेता हूँ। चलिए मैं लगा लेता हूँ। लगाने के बाद आपको कुछ पेज इस तरह से पॉपअप शो कर, मैं यहाँ पर फिर से लगा लेता हूँ मेरा सिस्टम में इस तरह से, और लाइट जल जाएगा तुरंत। और जलने के बाद आपको यहाँ पर कुछ पॉपअप शो कर जाएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर इंक्वायरी फॉर्म सर्विस चेक सक्सेसफुल हो चुका है। ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर आना है, और यहाँ पर आने के बाद PM किसान वाले पर आएंगे। और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ वेबसाइट में, और यहाँ पर आपको आपका जो CSE होगा, CSE को लॉग इन कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर लॉग इन कर चुका हूँ। लॉग इन करने के बाद देखिए यहाँ पर CSE लॉग इन करने का इस तरह से पेज ओपन होगा। आपको रिफ्रेश करेंगे इसको पेज, तो आपको CSE वाला यहाँ पर केवल लॉग इन रहता है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर CSE लॉग इन वाला सेक्शन आ जाएगा। या तो पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर CSE लॉग इन का सेक्शन आ जाएगा। तो CSE का आपको लॉग इन कर लेना है। तो मैं यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ। मैं आप मॉर्निंग टाइम में करेंगे तो आपको जल्द से जल्द ही CSE का यहाँ पर PM eKYC जो है आपको कंप्लीट होगा। मैं आपको यहाँ पर अभी लगभग 10 बज रहा है, 10 बजे मैं आपको सेटिंग करके दिखा रहा हूँ। देख रहे हैं मेरा वेबसाइट यहाँ पर बहुत स्लो चल रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ा इसको रोक दूँ, क्योंकि अभी रोकेंगे तभी आपको वर्क कर पाएगा, क्योंकि अभी सर्विस सही तरह से नहीं चल पा रहा है, तो हो सकता है प्रॉब्लम करेगा। आपको जो सेटिंग करना था, सेटिंग करने का मैं पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता दिया हूँ कि इसी तरह से आपको सेटिंग करना है। मेरा आपको केवल काम एक बताना रह गया है, आपको CSE लॉग इन करके आपको यहाँ पर ये कंप्लीट करने का मैं यहाँ पर प्रोसेस बता दिया हूँ। आपको लाइट कंफर्म है कि जलेगा, तो मैं यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस बता चुका हूँ आपको। यहाँ पर मोर्फो सेटिंग करने के लिए, PM के साइन के लिए, आप किसी के लिए आप इसमें सेटिंग आपको कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको अब बता रहा हूँ कि आपको कैसे करना है, तो उसके लिए एक नया वीडियो आ रहा है तुरंत, नेक्स्ट वाला पार्ट में लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अभी सर्वर डाउन बहुत चल रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मेरा बहुत सर्वर डाउन चल रहा है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मैं 57 से क्लिक किया हूँ, यहाँ पर 58 हो चुका है मिनट, 9:58 अभी तक यहाँ पर सर्विस ओपन नहीं हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। वेट करने के बाद जैसे ही मेरा सर्विस चलने से सही, आपको एक वीडियो बना रहा हूँ, नेक्स्ट वाला पार्ट की वेट करेंगे।